जय श्री कृष्ण बच्चों। तो जैसे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और 1D में रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो पार्टिकल जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है और उसकी वेलोसिटी उल्टी होकर के सारी दुनिया को मिल जाती है। तो अब ये रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है, हम पुराने काइनेमेटिक्स से जो हमने सवाल कर रखे थे ना, उन सवालों में अप्लाई करेंगे। जैसे एक चोर पुलिस वाला सवाल बड़ा स्टैंडर्ड सवाल आता है कि भाई ये चोर है, ठीक है, और ये जो है ये पुलिस है, और चोर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पुलिस भाग रहे 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपको बताना है कि कितने टाइम बाद पकड़ लेगा। तो अब इसमें क्या है कि हम पहले तो ग्राउंड फ्रेम में हमने किया था, इस बार हम ऐसा करते हैं चोर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अगर हम चोर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चोर तो रुक जाएगा, और चोर की वेलोसिटी अगर हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और चोर की वेलोसिटी उल्टी होकर के जीप को मिल जाए, पुलिस वाले को मिल जाएगी, तो 20 आगे की तरफ था, 10 पीछे की तरफ मिल गया। तो अब जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो रुक गया, यानी चोर रुक गया, और पुलिस की वेलोसिटी 20 आगे और 10 पीछे हो गई, तो पुलिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पुलिस की जो वेलोसिटी आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब चोर रुका हुआ है और पुलिस इसकी तरफ जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितने से जाएगी, पुलिस जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से, और चोर रुका ही हुआ है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, सीधे सीधे 100/10 यानी 10 सेकंड में ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो जिसके रिस्पेक्ट में, इसमें बस यही है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ना, वो रुक जाएगा और उसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो कुछ भी है वो उल्टा होकर बाकियों को मिल जाएगा। जैसे एक और स्टैंडर्ड सवाल मैंने क्लास में आपको कराया था, एक स्टैंडर्ड सवाल जो है ये था कि बस वाला एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि ये बस है और यहां पर एक लड़का है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी बस की 0 है, लेकिन बस के अंदर एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये लड़का 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये बस कितने समय बाद पकड़ लेगा। ये एक डेटा अभी कुछ दिन पहले आपको कराया था, ये क्वेश्चन आप देखेंगे 1D में। तो ये मैंने जो क्वेश्चन कराया था आपको ग्राउंड फ्रेम में कराया था, मतलब इसमें रिलेटिव के जो कंसेप्ट है वो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए थे, इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम के अंदर हमने कराया था। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा इसका, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये लड़का जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, कितने समय बाद पकड़ेगा ये आपको पता लगाना है। तो हम तीन तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, एक तरह से मैंने आपको बता रखा है ग्राउंड के फ्रेम से, मैंने पहले ही करा रखा है, पुराने वीडियो लेक्चर्स देखेंगे उसमें मिलेगा ये। दूसरा ये कि हम बस के रिलेटिव कर सकते हैं, बस के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। दूसरा हम लड़के के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बस के रिलेटिव देखेंगे तो बस रुक जाएगी, लड़के के रिलेटिव देखेंगे तो लड़का रुक जाएगा। खैर हम अपना ऑब्जर्वर बस पे बैठा देते हैं, मान लीजिए हम बस के रिलेटिव देख रहे हैं, अब बस के रिलेटिव देख रहे हैं तो बस तो रुक गई और बस के पास जो कुछ भी है, एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है, फलाना है, ढिमका है, जो कुछ भी बस के पास है वो सब उल्टा होकर के, बस के पास जो कुछ भी है वो उल्टा होकर के लड़के को मिल जाएगा। तो अब जैसे बस का एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था आगे की तरफ, तो अब वो एक्सेलेरेशन उल्टा होकर इस लड़के को मिल गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि अब क्या हुआ, ये बस तो रुक गई है और ये लड़का 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन लड़के में रिटार्डेशन आ गया क्योंकि बस की का एक्सेलेरेशन इधर था ना, तो उल्टा होके मिलेगा, तो लड़के में रिटार्डेशन आ गया। अब लड़का भागेगा, बस के पास जाएगा, अब मान लो चलते चलते यही रुक गया, तो उस इस एक्सेलेरेशन के कारण रुक के लड़का वापस चला जाएगा और बस नहीं पकड़ पाएगा। अगर मान लो लड़के में रिटार्डेशन है और वेलोसिटी भी है, मान लो यहां रुका तो रुक करके वापस चला जाएगा। अगर मान लो ये लड़का यहां पर, भाई बस तो रुकी हुई है, अगर आप बस के जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो रुक जाता है, बस आपको ये मानना ही पड़ेगा, तभी आप रिलेटिव मोशन के सवाल कर पाएंगे। तो बस के रिलेटिव देखा तो बस रुक गई, लेकिन बस का एक्सेलेरेशन पलट के इसको मिल गया, अभी लड़का आगे जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसमें रिटार्डेशन है। करते 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 अगर लड़का पहले ही रुक जाएगा तो बस तक को नहीं, क्योंकि बस रुकी हुई है तो बस तक तो इसको पहुंचना ही पड़ेगा। तो अब क्या है कि मैं ये मान लेता हूं कि ये लड़का बस तक पहुंच गया, अब लड़का अगर बस तक पहुंच गया तो बस तक पहुंचने में इसको 10 मीटर चलना पड़ेगा। तो इस लड़के का मैं इक्वेशन अगर लिखूं इस लड़के के लिए, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ऑफ द ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर,
एस रिलेटिव जो है वो यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें लड़के को यहां से यहां तक जाना है तो एस रिलेटिव 10 के बराबर होगा। यू रिलेटिव इनिशियली जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो 6 थी और एक्सेलेरेशन जो है वो -1 है इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 2 सेकेंड या 10 सेकेंड जो कराया था। 2 सेकेंड में क्या होगा कि 2 सेकंड में लड़का बस को ओवरटेक करेगा। एक सॉल्यूशन 10 सेकंड भी आता है वो बात की बात है, जब बस लड़के को ओवरटेक करेगी तो वो अलग बात होगी। तो ये वाला सवाल हो गया। अगर हम लड़के के फ्रेम में देखें तो भी ये सवाल कर सकते हैं। लड़के के फ्रेम में देखेंगे लड़का रुक जाएगा और बस को लड़के की वेलोसिटी उल्टी होकर बस को मिल जाएगी और फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना रेफरेंस फ्रेम बदल करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हैं। एक इसके अंदर सवाल और बनता है, बड़ा अच्छा सवाल है। ये दो कार हैं और दोनों कार की जो लंबाई है ये लंबाई दे रखी है 3 मीटर। दोनों कारों की लंबाई जो है वो 3-3 मीटर दे रखी है। और ये वाली कार जो जा रही है ये जा रही 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और ये वाली जो कार जा रही है ये जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इनके बीच की जो दूरी है, जो भी इनके बीच की दूरी है, ये दूरी दे रखी है 94 मीटर। 94 मीटर के बीच की इनके बीच की दूरी है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली कार इस कार को ओवरटेक कब करेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस कार का नाम ए है, इस कार का नाम बी है, तो क्वेश्चन यही है, फाइंड द टाइम इन विच कार ए ओवरटेक्स, फाइंड द टाइम इन विच द कार ए ओवरटेक्स द कार बी। वो समय बताओ जितने समय में कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी, वो टाइम आपको बताना है, जितने टाइम में कार ए कार बी को ओवरटेक कर जाएगी, ओवरटेक करने का टाइम बताना है आपको। तो अगर आपको ओवरटेक करने का टाइम बताना है तो ओवरटेकिंग का मतलब पहले मैं समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि दो कारें हैं, ठीक है, और एक तो मान लीजिए ये कार हो गई और एक ये दूसरी कार हो गई। मान लीजिए जो मेरा मोबाइल है ये दूसरी कार हो गई, ठीक है। अभी ये इसको ओवरटेक करने का मतलब ये कि जैसे ये ऐसे है यहां पर, तो अब जैसे दोनों ही कारें आगे बढ़ रही है, तो ओवरटेक करने का मतलब कि इस कार का जो आगे वाली कार है उसका जो बैक है वो यहां आ जाए। इस ओवरटेकिंग का मतलब ये, कार यहां से चालू कर रही है, ओवरटेकिंग का मतलब नहीं ये नहीं कि बराबर आ जाए, बराबर आ जाएंगे तो अभी ओवरटेकिंग का मतलब ये इसका जो बैक वाला है इसके फ्रंट से आके मिल जाए, तो ये ओवरटेकिंग का मतलब होता है। ठीक है, ओवरटेकिंग का मतलब ये होता है कि जो पीछे वाली कार का जो बैक है वो आगे वाली कार के फ्रंट से आकर के टकरा जाए या मिल जाए, तो उसको हम ओवरटेकिंग कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, रिलेटिव से भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको रिलेटिव सिखा रहा हूं, यहां मेरा पर्पस आपको रिलेटिव मोशन सिखाना है। तो अब अगर ओवरटेकिंग होगी तो इसका जो बैक है वो इसके फ्रंट से मिलना चाहिए, और मैं ऐसा करता हूं कि कार बी के रिस्पेक्ट में देखना चालू करता हूं। कार बी के रिस्पेक्ट में मैं देखूंगा तो कार बी के अगर रिलेटिव देखा जाएगा तो कार बी तो रुक गई, कार बी रुक गई और कार बी की जो वेलोसिटी है वो उल्टी होकर के कार ए को मिल गई, तो ये 40 से जा रही थी तो इसमें से 40 चला जाएगा, 42 से जा रही थी तो 42 किलोमीटर पर आवर इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी जो भी इसकी वेलोसिटी थी उल्टी हुई और उल्टी होकर इसको मिल गई। आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से एनालाइज करें तो 60 माइनस 42 हो जाएगा 18, और 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो जाएगा 18 × 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो चलो मैं अलग फिगर ही बना देता हूं, अलग फिगर बना दे रहा हूं समझाने के लिए।
इसमें मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जर्वर था और इसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो ये कार तो रुक जाएगी और ये वाली जो कार है ये कार चलती रहेगी। और इस कार की वेलोसिटी अगर आप देखेंगे, इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी देखेंगे, तो इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। और ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ए है, इसकी वेलोसिटी बी है, और ये दूरी कितनी है, 90 छोड़ दे रखी है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये रुका हुआ है, अब ये रुका है, ये वाली कार आगे बढ़ रही है, और जब ये कार इस पोजीशन में आ जाएगी तो उस समय मानेंगे कि ओवरटेकिंग समाप्त हो चुकी है, ओवरटेकिंग खत्म हो गई है। तो अब ध्यान से देखा जाए इस दौरान इस वाली कार को कितना चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इसका फ्रंट पॉइंट यहां था, अब फ्रंट पॉइंट यहां आ गया इसका, तो अगर देखा जाए तो कितना चलना पड़ेगा, 94 प्लस 3 और प्लस 3 और चलना पड़ेगा ना, तो कुल मिला के इस दौरान ये वाली जो कार है वो आप ऐसे समझो यहां से यहां पहुंच गई, इसका जो फ्रंट है वो यहां आ गया, और अगर आप दूरी देखोगे, ठीक है, तो दूरी देखोगे तो ये 94 था और ये 3 और ये 3, 336 और 94 कितना हो जाएगा 100, तो कुल मिला के ये वाली जो कार है ये 100 चली, बी तो रुकी थी, बी में कोई टेंशन नहीं है, तो ए जो कार है वो 100 चल गई और स्पीड उसकी 5 थी, तो ये 100/5 यानी 20 सेकंड में ये छोटी कार मतलब पीछे वाली कार आगे वाली कार को ओवरटेक कर ले जाएगी। एक और सवाल इसके अंदर आ रहा है 1D के रिलेटिव मोशन के, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं 1D के रिलेटिव मोशन के। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, और ये पार्टिकल ए V1 वेलोसिटी से जा रहा है और इसके अंदर रिटार्डेशन है A1। ये दूसरा पार्टिकल जो बी था ये इसकी तरफ जा रहा है V2 वेलोसिटी से, और इसके अंदर भी रिटार्डेशन है A2, मतलब वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलेरेशन आगे की तरफ, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये L दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी L दे रखी है दोनों पार्टिकल्स के बीच की। तो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। Assume that the particles do not collide. Assume that the particles do not collide. Assume that the particles do not collide. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एज्यूम दैट द पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड। ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है, और ये मानते हुए कि ये पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए, तो वही है कि भाई रिलेटिव के हिसाब से चलें। अगर आप इसको ग्राउंड फ्रेम में सवाल करते हैं ना तो घंटों बीत जाएंगे, मतलब हो सकता है कि 2-3 घंटे बीत जाए और आपसे हो ना सवाल, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव में करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आप 3 मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। देखें भाई, मैं ऐसा करता हूं कि किसी एक को रोक देता हूं, रोकने का मतलब किसी एक के रिलेटिव ऑब्जर्व करता हूं, तो अगर मैं बी के रिलेटिव देखता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं बी के रिलेटिव देखता हूं तो बी रुक जाएगा और बी के पास जो कुछ भी है वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सब उल्टा होके इसको मिल जाएगा। तो जैसे अगर देखा जाए तो बी तो रुक गया और ए के पास वेलोसिटी V1 इधर थी, और ये V2 जब उल्टी होके इसको मिलेगी तो इसकी वेलोसिटी V1 प्लस V2 हो जाएगी। जिसके रिलेटिव देखते हैं वो रुक जाता है और उसकी वेलोसिटी उल्टी होके दूसरे को मिल जाती है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन इधर था तो उल्टा होके इधर मिल जाएगा एक्सेलेरेशन, तो इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा एक्सेलेरेशन A1 प्लस A2, रिटार्डेशन V1 प्लस V2 है, ये जा रहा है, बी तो रुका हुआ है, बी तो चल ही नहीं सकता ना, ठीक है, बी रुका हुआ है, बी नहीं चल सकता है, तो अब ये अगर इस तरफ जा रहा है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं जीरो जरूर आएगी। मान लिया इस जगह इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अब अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो यही डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूं, इसको मैं एस मान लेता हूं, यही तो पता। अभी भाई देखो, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो वो रुक जाता है, और वो सच में रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं या कोई खेल कर रहा हूं,
जिसके रिलेटिव आप देखोगे वो रुक जाएगा और उसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो कुछ है उल्टा होके मिल जाएगा। तो बी के रिलेटिव में देख रहा हूं तो बी तो रुक गया और ए को मिल गया v1 प्लस v2 और एक्सेलेरेशन a1 प्लस a2 आ गया। अब ध्यान से देखें, इसमें वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन इधर है, ये चलता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा। जहां रुकेगा वो डिस्टेंस में निकालता हूं, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, बी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर। तो अब जहां भी जाकर के मान लो फाइनली यहां पे आगे रुक गया, तो यहां रुक गया तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली जीरो हो गई। इनिशियली जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v1 प्लस v2, और इनिशियली जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन था वो कितना था, a1 प्लस a2 इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a1 प्लस a2 इंटू s। तो जो s की वैल्यू आ जाएगी, ये जो चीज s है ये हो जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस a2। एस जो आएगा वो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस a2, ये s की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी s जाके रुकेगा। आप कह रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो आएगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, l माइनस s। भाई ये भी रुक गया था, यहां गया और यहां जाके फिर ये वापस आएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो l min की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं l min लिखूं यहां पर, तो आंसर जो आएगा l min का हो जाएगा l माइनस s, और s की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये l min की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक सवाल, अच्छा जो सवाल बनता है वो आ गया। एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके अंदर करते हैं। ये क्वेश्चन ये भी कराया था मैंने आपको, अब इसको रिलेटिव से कराऊंगा। ये एक टावर है 100 मीटर ऊंचा, यहां से एक पत्थर छोड़ा गया और यहां से एक पत्थर फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन मैंने करा रखा है लेकिन अभी मैं आपको रिलेटिव की पावर बताऊंगा। तो यहां से एक पत्थर मैंने छोड़ा है, वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और ये 50 मीटर पर सेकंड से फेंका था, ऊपर जा रहा था। आपसे पूछा था कि ये कोलाइड कब करेंगे, इनके कोलिजन का टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन का टाइम बताएं। तो जब हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी और इसकी 50 थी, तो कहीं ना कहीं जाके कोलाइड करेंगे और मैं मान ले रहा हूं कि कहीं कोलाइड कर रहे हैं। तो अब इस सवाल को वैसे तो ग्राउंड फ्रेम में मैं करा ही चुका हूं, लेकिन अगर मैं रिलेटिव फ्रेम में इस सवाल को करना चाहता हूं, मान लो मैं रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से करना चाहता हूं, तो जैसे देखें भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और एक्सेलेरेशन इसका जी था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 थी लेकिन एक्सेलेरेशन इसका भी जी था। तो अगर मैं इसके रिलेटिव देखूं, किसी एक पार्ट के, दो पार्टिकल थे, किसी एक पार्टिकल के रिलेटिव देखता हूं, मैं इसके रिलेटिव अगर देखूंगा तो ये रुक जाएगा और इसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सब उल्टा होकर इसको मिल जाएगा, या अगर मैं इसके रिलेटिव देखूंगा तो ये रुक जाएगा और इसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन सब उल्टा होकर इसको मिल जाएगा। तो मैं अपना ऑब्जर्वर इसी पे बैठा देता हूं, मेरा ऑब्जर्वर इस पे बैठ गया है, थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूं, ठीक। अब मेरा ऑब्जर्वर अगर इस पे बैठ गया तो ये रुक जाएगा, इसके पास वेलोसिटी जो भी उल्टी होके इसको मिल जाएगी, इसके पास वेलोसिटी जीरो है तो खैर कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेलेरेशन इसका जी डाउनवर्ड है तो उल्टा होके इसको जी मिल जाएगा। तो अब इसका भी एक्सेलेरेशन जी था और एक जी ऊपर की तरफ मिल गया तो ये जी माइनस जी हो गया। तो अब कुल मिला के ऐसा समझो, दोनों का एक्सेलेरेशन जी था तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, बस आप ऐसे समझ लो कि दोनों का एक्सेलेरेशन जी था तो दोनों का अगर एक ही डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है तो रिलेटिव में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो ये भी जी था ये भी जी था। तो अब जब ये जी इसको उल्टा होकर मिलेगा तो एक ये वाला जी नीचे था और वो उल्टा होकर मिला तो जीरो हो गया। तो कुल मिला के ये रेस्ट पे है और ये 50 से जा रहा है क्योंकि एक्सेलेरेशन तो जीरो हो गया, तो अब ये 50 से जा रहा है तो 100 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा, 100/50, 100 मीटर चलने में टाइम 2 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव मोशन का यूज करके इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। एक इसमें और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, इसी से मिलता जुलता है तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूं।
ये क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, लिफ्ट वाला सवाल होता है, लिफ्ट के सवाल जो होते हैं उनमें भी रिलेटिव के सवाल बनते हैं। एक लिफ्ट है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, यहां से एक पत्थर फेंका जाता है यू स्पीड से, ठीक है, ए एक्सेलेरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, यू स्पीड से पत्थर फेंका जाता है। क्वेश्चन लिखें, स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज यू, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इन विच and the time in which stone will reach, find the time in which stone will reach the starting point, time in which the stone will reach the starting point, speed of stone with respect to lift is u, find the time in which stone will reach starting point, उस समय बताओ जब स्टोन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, दो मिनट का समय ले पॉज करके और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो पत्थर मैंने फेंका है इसका जो स्पीड है ना इसके रिस्पेक्ट में वो यू के बराबर है, स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज यू, फाइंड द टाइम इन विच स्टोन विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं मैं लिफ्ट के फ्रेम में ही बैठ जाता हूं, मेरा ऑब्जर्वर ये लिफ्ट के साथ ही रुका हुआ है। अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में बैठ गया, लिफ्ट के फ्रेम में बैठ गया तो लिफ्ट रुक जाएगी, लिफ्ट रुक जाएगी तो जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही इसको आने में लगेगा, लिफ्ट रुक गई। तो मैं ऐसा करता हूं कि जाने जाने का टाइम निकाल लेता हूं। तो अब अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम में देखूंगा तो ध्यान से समझना, मैं यहां से यहां तक फार्मूला लगा रहा हूं, वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, लिफ्ट के रिलेटिव देख रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वी रिलेटिव आएगा वो जीरो आ जाएगा, यू रिलेटिव यू के बराबर था, ए रिलेटिव निकालना है मुझे तो ए रिलेटिव मैं निकाल लूंगा, तो एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये पत्थर फेंका है मैंने तो इसका लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। स्टोन का जो एक्सेलेरेशन है अगर आप देखें तो स्टोन तो हवा में है, हवा में है तो इसके इसका लिफ्ट से कोई कॉन्टेक्ट तो है नहीं, तो इसका एक्सेलेरेशन जो होगा धरती नीचे खींच रही होगी तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी, और लिफ्ट का जो है वो ए के बराबर दिया हुआ है तो एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगा माइनस ऑफ जी प्लस ए, या गया तो ए रिलेटिव की जगह हम कर देंगे माइनस ऑफ जी प्लस ए इंटू टी, तो टाइम आ जाएगा यू अपॉन जी प्लस ए, ये तो जाने जाने का रहा, लौटने में डबल कर देंगे ये टाइम आपका आ जाएगा, आने और जाने का जो टाइम मिला करके है उसके बराबर हो जाएगा।